सबकी जिंदगी में अलग अलग सौभाग्य हमको मिलते हैं, ओके अलग अलग एक स्पेशल वरदान कह लो या सौभाग्य हमारा होता है। हर एक इंसान का अलग अलग सौभाग्य होता है। जैसे मेरा आप लोगों का अलग अलग सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को प्रभु का वचन सिखा सकता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों की जिंदगियों में काम कर सकता हूँ, आपके घरों में आके आपको जान सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार अलग अलग लोगों का अलग अलग सौभाग्य होता है। लेकिन मनुष्य का, आदमी का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है, सबसे बड़ी धन्यवाद, सबसे बड़ी आशीषित बात, सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपको मिला है वो क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य जो मनुष्य का है वो क्या है, सबसे बड़ा सौभाग्य प्रिविलेज जो मनुष्य का है वो है परमेश्वर को जानने का सौभाग्य। हालेलुया। आपका सौभाग्य संसार में जो हम जीवन जीते हैं, अलग अलग सौभाग्य हमको मिलते हैं जिसके लिए हमें अच्छा लगता है, हम प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं, हम उस सौभाग्य को इंजॉय भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य जो हमारा है वो है कि हम परमेश्वर को जान लें। लेकिन परमेश्वर को जानना ना केवल हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर को जानना ना केवल हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, लेकिन परमेश्वर को जानना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर को जानना है। हर मनुष्य जो इस धरती पर आया है, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हमारी नौकरी, हमारे बच्चे, ये सब चीजें हमारी सबसे बड़ी, हमारी प्रथम जिम्मेदारी नहीं है। हमारी प्रथम जिम्मेदारी, हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर को जान लें। अब सवाल उठता है, क्यों ऐसा भी क्या है, इतना बड़ा ये इतनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर को जानना क्यों है? स्पष्ट रूप से हम कह देना चाहते हैं कि परमेश्वर को जानना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानता है उसके पास अनंत काल के लिए कोई भी आशा नहीं है। अब थोड़ी सी और सरल भाषा में बताऊंगा, जो व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है उसके मरने के बाद वो स्वर्ग में जाने की आशा नहीं रख सकता। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता उसके मरने के बाद स्वर्ग में पहुंचने की आशा उस व्यक्ति के पास नहीं है। ये इसलिए परमेश्वर को जानना हमारी सबसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम सच्चे परमेश्वर को जान लें, हम उसको जान लें जिसने संसार बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। आज मेरा मन बड़ा भर गया उस बात से जब गीत गा रहे थे और मैंने यहाँ पे एक बहन के चेहरे को देखा, हम जब वो लाइन गा रहे थे कि जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। आप इसका मतलब समझ सकते हैं? ये बहुत भयानक बात है। जिसने आकाश बनाया है हम उसकी आराधना कर रहे थे, जिसने धरती बनाई, जिसके लिए सब कुछ संभव है, जिसने लाजर को जलाया, जिसने जंगल में रास्ता बनाया, जिसने पानी को दो भाग में कर दिया, उस परमेश्वर को जानना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि उसी परमेश्वर ने हमें भी बनाया है। हमारी आत्माओं का मालिक एक परमेश्वर है और हम उससे, ऐसा नहीं है कि उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार उसके पास है हमारी आत्माओं के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के बाद के जीवन के लिए। परमेश्वर हमारा मालिक है, उसको जानना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हम सब अलग अलग कामों के लिए बड़े व्यस्त हो जाते हैं, बड़े चिंतित भी हो जाते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं। मैंने इस साल के शुरुआत में जो आपको बात बताई थी, 31 की रात को जो बात बताई थी वो यही थी, बड़ी बड़े कामों के लिए, बड़ी बड़ी बातों के लिए हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। कितने लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, एक हफ्ते में कितने लोग पता चलता कि वो दो दो नौकरियां कर रहे हैं। हाँ, जीवन कठिन है और मैं जानता हूं कि अपने परिवार को चलाने के लिए करना पड़ता है और आपके संघर्ष को भी हम समझ सकते हैं और आपके संघर्ष की हम पूरी पूरी इज्जत भी करते हैं कि आप दो दो नौकरियां करते हैं, डे में करते हैं, नाइट में करते हैं, सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं।
लेकिन क्यों आप इतना संघर्ष कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि आपके परिवार को चलाने के लिए पैसा जरूरी है ना? हाँ या ना? कितनी चीजों के लिए हम संघर्ष करते हैं, लेकिन मैंने आपसे ही कहा था कि एक चीज के लिए परिश्रम करना है सबसे पहले, जैसे प्रभु ने कहा, उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो नष्ट हो जाता है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। और वो भोजन क्या है? प्रभु ने कहा वो भोजन मैं हूं। प्रभु यीशु ने बोला वो भोजन मैं हूं। हमें परमेश्वर के लिए यत्न करना है, परमेश्वर के लिए तड़पना है, परमेश्वर के लिए हमें डबल ड्यूटी करनी है, परमेश्वर के लिए हमें हमारा मन तड़पना चाहिए, परमेश्वर के लिए मेरा मन उसकी तरफ झुकना चाहिए। पर सब लोगों का दिल तो नहीं तड़पता है परमेश्वर के लिए, हमारा भी दिल हर वक्त तो नहीं तड़पता है परमेश्वर के लिए। फिर कहां है जो इंसान, कहां पे फंस जाता है जो उसका मन प्रभु के लिए तड़पता तो है नहीं, प्रभु के लिए तरसता तो है नहीं? चर्च के लोगों को, चर्च के पास्टर को या सेवा करने वालों को, सेवादारों को आपको खींचना पड़ता है बहुत बार। कहां पे समस्या है कि मनुष्य संसार में ही इतना बिजी हो जाता है, उसको लगता है कि बस यही जीवन मेरा सब कुछ है। मैंने सुबह सिखाया था कि दो प्रकार का परमेश्वर का दो प्रकार का अनुग्रह है। पहला अनुग्रह है सारे लोगों पर होने वाला अनुग्रह। कौन सा वाला? मतलब सारी धर्मों पे, सारी जातियों पे, सारी भाषा बोलने वाले, मतलब पूरे संसार में सारे लोगों पर होने वाला अनुग्रह हमारे परमेश्वर का है। वो कौन सा अनुग्रह है? मात्र इस संसार में जीने वाला अनुग्रह, जैसे कि जीवन, जिंदगी। परमेश्वर ने क्या सिर्फ मसीहियों को जीवन दिया है? बताइए, क्या परमेश्वर ने औरों को जीवन नहीं दिया है? तो ये जो जीवन का जो गिफ्ट है, जो जीवन का जो दान प्रभु ने हमें दिया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो सारे लोगों पे हुआ है। सूरज है, सूरज की किरणें, कभी ऐसा होता है कि सूरज सिर्फ मसीही लोगों के घर में चमक रहा है और दूसरों के घर में अंधकार है? कभी देखा है आपने? जो सूरज है वो सारे लोगों के घरों पर रोशनी देता है। बारिश है, क्या बारिश केवल मसीहियों के घर पे होती है? किनके ऊपर होती है? सभी के घर पे होती बारिश। तो मनुष्य क्या है? परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह पर, मतलब जो अनुग्रह सब पर हुआ है, बस उसी में बड़ा खुश है। लेकिन उससे बढ़कर भी एक और अनुग्रह है जो सबके पास नहीं है, जो उसने केवल अपने चुने हुओं पर दिया है, जो उसने केवल सच्चे मन से जो उसको खोजते हैं उनको दिया है। वो कौन सा अनुग्रह है? हमें उद्धार देने वाला अनुग्रह, हमारी आत्माओं को बचाने वाला अनुग्रह। बहुत बार हम केवल सामान्य अनुग्रह में बड़े खुश हैं, जिंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, धन दौलत कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, धन इकट्ठा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो सामान्य अनुग्रह है जो सारे संसार पे होने वाला अनुग्रह है, वो अनुग्रह आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। आपको कौन सा अनुग्रह स्वर्ग लेके जाएगा? यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करके, हालेलुया, छुटका पश्चाताप करके, अपने पापों को मान करके, परमेश्वर को खोजने वाला जो जीवन है, वो अनुग्रह जो प्रभु हमें देता है, उस अनुग्रह के लिए हमें तड़पना है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो मनुष्य परमेश्वर को खोजना चाहिए, लेकिन सारे मनुष्य प्रभु को ना जानते हैं ना खोजते हैं, क्योंकि वो बड़े मस्त हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन बहुत बार आप और मैं जो प्रभु को जानते हैं, हम भी कभी कभी बहुत बार अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हम प्रभु को जानते नहीं हैं, और ना हमारे मन में परमेश्वर को ज्यादा जानने की इच्छा हमारे अंदर होती है। हमें लगता है मैं तो चर्च में आता हूं, मैं तो हूं मसीही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की अंतिम प्रार्थना में, अंतिम पंक्ति जो यीशु मसीह की थी, यीशु मसीह की प्रार्थना में जो अंत में जो बात यीशु मसीह ने कही, यूहन्ना 17 में अपने पिता से क्या कहा? पिता, इन लोगों को मैंने तेरे बारे में सिखा दिया है और सिखाता रहूंगा। मतलब यीशु मसीह आज भी अपने बारे में, पिता के बारे में, आत्मिक बातों के बारे में, स्वर्ग की बातों के बारे में, राज्य की बातों के बारे में यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं। विश्वासी लोगों को विश्वास में उन्नति करने की जिम्मेदारी है। पौलुस के जीवन में हम ये देखते हैं, पौलुस जब सेवा करता है, कलीसियाओं को पत्री लिखता है, अपनी हरेक पत्री में कहता है तुम सब के सब विश्वास करते हो, शाबाश। फिर वो कहता है तुम जिस विश्वास में अच्छे हो उस विश्वास में उन्नति करो, उस विश्वास में बढ़ते जाओ। वो ये भी कहता है जगह पर, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे विश्वास में जो कमी घटी है उसको पूरा करूंगा।
हम सब विश्वास में हैं, हर समय हर दिन किसी भी हम दिन की बात कर लें, हर एक विश्वासी को अपने विश्वास में बढ़ना है, हर एक विश्वासी के मेरे भी विश्वास में, हम सब के विश्वास में कहीं ना कहीं जो कमी घटी है, परमेश्वर की संगति के द्वारा, कलीसिया के लगातार संगति के द्वारा, वचन के मनन चिंतन और पढ़ाई, वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, विश्वासियों की संगति के द्वारा उस कमी घटी को हमें दूर करना है। सो परमेश्वर को जानना कोई एक दिन की बात नहीं है कि हाँ मैंने 26 तारीख को 5 बजे मैंने प्रभु को जान लिया था, अब मैं प्रभु को जानता हूँ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। हमें लगातार परमेश्वर को जानना है। मेरे पीछे बोले हमें, सब लोग बोले हमें लगातार परमेश्वर को जानना है। सारे बोले हमारे मन में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बातों की समझ लगातार बढ़नी चाहिए। इसी के लिए हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, इसी बात के लिए, मैं प्रभु को जानूं, मैं प्रभु को अधिक तरीके से जान सकूं। खैर आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 145 खोल लिया आप सबने। परमेश्वर के बारे में तीन बातें सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं उसकी भलाई के बारे में जानने के लिए, परंतु एक बात है, सबसे पहले सामने देखें, हम सबको विश्वास करना है कि परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर सचमुच में है, इस बात पर हमें विश्वास करना है। सब मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर सचमुच है, इस पर मुझे विश्वास करना है। बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर की आशीष अगर आपको पानी है, सबसे पहले अपने मुंह में, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि परमेश्वर तू है, सचमुच एक परमेश्वर है, सचमुच एक परमेश्वर है जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, सचमुच एक परमेश्वर है जिसने मुझे जीवन दिया है, जिसने मेरा नाम रखा है, जिसने, जिसके पास मेरे लिए एक योजना है। यह हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए वचन, एक वचन में क्या लिखा हुआ है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है, परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सब पढ़ें, यहां से पढ़ें, सब पढ़ें, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि वह है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। तो सबसे पहले तो हमें यह स्पष्ट कर देना है कि परमेश्वर है। हम किसी आत्मिक बड़े ख्याल की पूजा नहीं करते हैं कि एक कोई ना कुछ होगा, कोई शक्ति है। वो कोई शक्ति नहीं है, वो एक व्यक्ति है। सचमुच परमेश्वर है, उसकी हस्ती है, उसका व्यक्तित्व है, उसका नाम है, उसकी पहचान है। वो एक सचमुच में एग्जिस्ट करता है, सचमुच में परमेश्वर है, और उस पर विश्वास करने से ही हम परमेश्वर को सबसे पहले प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं परमेश्वर, बाइबल ऐसे, आपकी जिंदगी में कभी ऐसे लोग मिले हैं जो बोलते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है? कितने लोगों को ऐसे लोग मिले हैं जो कहते हैं कोई भगवान, भगवान कोई नहीं है? कितने लोग, मुझे बहुत लोग मिले हैं ऐसे लोगों के बारे में। बाइबल क्या कहती है, सामने देखें क्या लिखा है, पढ़े। मूर्ख ने अपने मन में कहा है परमेश्वर है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहता ना कि मैं कहता हूं कि कोई परमेश्वर नहीं है, तो हमें उसको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। बाइबल उसको क्या बोलती है, सारे बोले बाइबल क्या बोलती है। सो सबसे पहले यह बात तो स्पष्ट है कि परमेश्वर है। सारे बोले परमेश्वर है। ओके, दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर की महानता, उसको हमें जानना है। सबसे पहले परमेश्वर का अस्तित्व, सारे बोले परमेश्वर का अस्तित्व, कि परमेश्वर है। दूसरी बात जो हमें जानना है, परमेश्वर, ये जो परमेश्वर जिसका अस्तित्व है, जो सचमुच में है, वो परमेश्वर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत महान परमेश्वर है। हालेलुया, उसकी महानता के बारे में हम पढ़ते हैं। भजन 145 एक से हम पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी जोर जोर से पढ़ते जाए। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। दाऊद अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को क्या कह रहा है, क्या क्या दर्जा दे रहा है? हे मेरे परमेश्वर, हे राजा। सारे बोलो हे मेरे परमेश्वर, हे
राजा उसे कहता है मैं तेरे नाम को सराहूंगा, आगे क्या लिखा है, और मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, मैं तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा, आगे प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन एवरी डे आई विल प्रेज यू, हर रोज प्रभु मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा और तेरे नाम को सदा सदा के लिए मैं बढ़ाता रहूंगा, ऊंचा करता रहूंगा। तीन में क्या लिखा है, अब है जो मेन बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, सब लोग मिल के पढ़े, तीसरा वचन क्या लिखा है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, यहोवा महान और उसकी महानता अगम्य है, योग्य है और उसकी महानता अगम्य है, अगम्य है। अगम्य शब्द का मतलब क्या है, ओके, अगम्य मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, अनफैदमेबल, जिसको समझा नहीं जा सकता, जिसको मापा नहीं जा सकता, यह उसकी महानता की हद है, ये उसकी महानता का साइज है, ये उसकी महानता की लिमिट है कि इंसान कितना भी प्रयास करे परमेश्वर की महानता का वर्णन नहीं कर सकता। एक बहुत आज से लगभग 600 साल पहले एक व्यक्ति थे जो परमेश्वर के बातों के विद्वान कहलाते थे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में एक किताब लिखना, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ शायद उनके बारे में, परमेश्वर के ज्ञान पर एक किताब लिखना शुरू किया और बहुत सी बातें वचन में से, अपने अपने आध्यात्मिकता के जीवन से, बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे में लिख लिख कर इतनी मोटी किताब लिख दी। लेकिन जब वो लिखते लिखते परमेश्वर में डूबे हुए थे, परमेश्वर के बारे में सोच सोच कर, परमेश्वर के बारे में पढ़ पढ़ कर लिखते गए, अंत में उन्होंने क्या कहा, इस किताब को मैं पूरा नहीं करूंगा। क्यों कहा मैं पूरा नहीं करूंगा, वो इस बात का प्रतीक था, मेरी औकात नहीं है कि परमेश्वर की किताब मैं केवल शुरू कर सकता हूं, अंत नहीं कर सकता। और उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान के बारे में जो किताब को लिखना शुरू किया, कभी भी उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर की महानता अगम्य है, मैं उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई, उसकी महानता के एंड तक मनुष्य कभी पहुंच नहीं पाएगा, वो इतना महान परमेश्वर है। मुझे ऐसे लगता है कि हम सबका जीवन, यदि हम चाहते हैं कि धन्य हो जाए, अगर हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमें किस चीज की आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमें इस चीज की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को जान लें और अपने दिल में अच्छे से इस बात को बिठा लें कि मेरा परमेश्वर, संसार का सच्चा परमेश्वर, बहुत महान परमेश्वर है। जो व्यक्ति खुदा पे विश्वास करता है और इस बात को मानता है कि मेरा परमेश्वर महान है, वो व्यक्ति धन्य है। इसी में उसकी भलाई है, इसी में उसकी शांति है, इसी में उसको हिम्मत मिलती है जब वो विश्वास करता है कि मैं इस संसार में अनाथ और अकेला नहीं हूं, मेरे ऊपर एक महान परमेश्वर है जो मेरा नहीं, इस संसार के सारे लोगों का मालिक है। हालेलुया, परमेश्वर बहुत महान है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द है जो मैं हिंदी में नहीं लिख पाया, अनफैदमेबल, जिसको हम माप नहीं सकते, जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, जिसको मापने की यदि हम कोशिश करें, उसके अंतिम छोर तक कभी पहुंच नहीं सकते। अनफैदमेबल, समझ से बाहर, वर्णन से बाहर, इतना महान हमारा परमेश्वर है। ये बहुत बड़ा पाप है जब मनुष्य अपने आप को सब कुछ समझने लगता है, या मनुष्य अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है, यह पाप है। चार में पढ़ें क्या लिखा है, कितना महान वो परमेश्वर है, चार में पढ़ें, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से तेरे कार्यों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कार्यों का वर्णन करेगी। हालेलुया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परमेश्वर के बारे में बताया जाएगा। वो पीढ़ी के बच्चे, अगली पीढ़ी के बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जो बच्चे यहां बैठे हैं, आप सोच के देखें, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब हम आपकी मेरी तरह हो जाएंगे, ये अपने बच्चों को हमारे परमेश्वर की महानता के बारे में बताएंगे। हालेलुया, अगर वो परमेश्वर सच्चा ना होता, इतने हजारों हजारों सालों से आज तक उसका नाम है, इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि आज भी उसका नाम लोग जानते हैं, मैं जो हूं सो हूं, ये उसका नाम है, यहोवा परमेश्वर, एल शडाई परमेश्वर, यहोवा निस्सी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला महान परमेश्वर, आज तक उसका नाम है।
क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी उसका नाम आगे आगे बताया जाता है। हालेलुया, पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे कार्यों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कार्यों का वर्णन करेगी। पढ़ते जाओ, आगे पढ़ते जाओ। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे अद्भुत कार्यों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कार्यों की शक्ति की चर्चा करेंगे। हालेलुया, और मैं तेरी महानता का वर्णन करूंगा। हालेलुया, देखते हैं कितनी बातें लिखी हुई हैं कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को तेरे तेरे नाम के बारे में बताएगी, वो तेरे अद्भुत कामों की चर्चा करेगी, वो परमेश्वर तेरे वैभव और तेरे गौरव की वर्णन करेंगे, वो तेरे अद्भुत कामों की चर्चा करेंगे, वो तेरे महान कामों के बारे में चर्चा करेंगे और मैं तेरे अद्भुत कामों के बारे में बखान करूंगा। ऐसे लिखा है, ये हमारा महान परमेश्वर है। आगे पढ़ें जो हम 10 से 13 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ें, सब लोग मिलके पढ़ सकते हैं, 10वां वचन सब पढ़ें मिलके। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा का वर्णन और तेरे सामर्थ की चर्चा करेंगे कि वे मनुष्य जाति पर तेरे सामर्थ के कार्यों को और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा को प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपको सुन के कितना अच्छा, अगर आपने इसको विश्वास से पढ़ा है, आपके मन में बहुत शांति और हिम्मत आ जानी चाहिए। ये हमारा परमेश्वर है जो इतना महान है। हालेलुया, संसार के गुरु हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, लेकिन संसार के गुरु हैं जो आज ऊंचे पद पे बैठे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो या तो जेल में पाए जाते हैं या उनका आश्रम खाली हो जाता है या वो लोग उनको छोड़ देते हैं, लोग उनको त्याग देते हैं, और अगर उनको लोग ना भी त्यागें तो भी वो सब कुछ झूठ है। हालेलुया, बाइबल तो ये भी कि हम तो गुरुओं की बात कर रहे हैं, बाइबल तो ये कहती है सारे देवी देवताओं के ऊपर हमारा परमेश्वर महान राजा है। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है जिसके ऊपर कोई है ही नहीं, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, और उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सब परमेश्वर के, परमेश्वर उन सब के ऊपर राज्य करता है। वचन ये भी कहता है वो जिसको चाहता है उसको उठाता है, जिसको चाहता है उसको नीचे गिरा देता है। ये भी लिखा है परमेश्वर तू स्वर्ग में अपने सिंहासन पे विराजमान है, फिर लिखा है तूने जो चाहा है वही किया है। परमेश्वर कौन है? जो अपनी मर्जी पूरी करता है। हालेलुया, जो वो चाहता है इस संसार में वो करता है। सो ये हमारा परमेश्वर है। सबसे पहले उसके अस्तित्व पर हमें विश्वास करना है, दूसरा उसकी महानता पर हमें विश्वास करना है, और तीसरा जो हमारा आज का वचन है थोड़ा छोटा है क्षमा कीजिएगा, लेकिन परमेश्वर की भलाई के बारे में, आगे हिंदी में लिखा है शायद नहीं लिखा, परमेश्वर की भलाई के बारे में। सबसे पहले मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का अस्तित्व कि वो है, परमेश्वर की महानता कि वो बहुत महान है। अब हम देखेंगे परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर भला है। मेरे पीछे बोले परमेश्वर भला है, दोबारा बोले परमेश्वर भला है। अभी सब लोग अपने सातवें वचन पे आ जाएं, अपनी बाइबल में 145 का 7 में आ जाएं, एवरीबॉडी सब लोग। और परमेश्वर की भलाई के बारे में सबसे पहली बात यहां पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। वे तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उत्सुकता से उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, वो तेरी बड़ी भलाई। हालेलुया, ये जो परमेश्वर है जो सचमुच में है, ये जो परमेश्वर है जो बहुत महान है, ये साथ ही साथ बहुत बहुत बड़ी भलाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ऐसा नहीं कि ये परमेश्वर बड़ा ऊंचा दूर बैठा है, उसके पास कोई जा नहीं सकता और उसके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है, वो बहुत कठोर होगा, वो बहुत उस तक उसका वो हमारी चिंता नहीं करेगा, वो तो बड़ा महान है, हम तो कुछ नहीं है। ये बड़ा महान परमेश्वर अपनी भलाई में भी उतना ही बड़ा है जितनी वो अपनी महानता में बड़ा है। हालेलुया, परमेश्वर की भलाई के बारे में हम सीख रहे हैं। क्या लिखा है? अबंडेंट गुडनेस, मतलब बड़ी भलाई। दे सेलिब्रेट योर अबंडेंट गुडनेस, वो तेरी बड़ी भलाई का आनंद उठाएंगे और आनंद के साथ तेरी धार्मिकता का वर्णन करेंगे। 8 में क्या लिखा है, अगली उसकी भलाई के बारे में दूसरी बात क्या है, पढ़े सारे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। चार गुण है हमारे परमेश्वर की भलाई के बारे में हम देख रहे हैं, और पहली बात क्या है, सब लोग सामने देखिए पढ़ें, क्या लिखा है? अनुग्रहकारी। क्या है? अनुग्रहकारी।
हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला। मैंने आप सबको बहुत बार सिखाया है अनुग्रह का मतलब क्या होता है, जब हमें वो चीज मिल जाती है जिसके हम लायक नहीं है उसे क्या कहते हैं, अनुग्रह कहते हैं। ये परमेश्वर जो इतना महान है, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बातें पढ़ी, ये इतना महान परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर भी है, और उसकी भलाई केवल भलाई नहीं है, बाइबल बोलती है बड़ी भलाई। अद्भुत बात है ये, केवल भलाई नहीं, सारे बोलो क्या है, बड़ी भलाई। और उसकी भलाई की भलाई के वर्णन में हम क्या जानते हैं, पहली बात वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम सब जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह मानव जाति पर किस प्रकार हुआ है, उसने अपने बेटे को यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए इस संसार में भेजा ताकि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान करे। ये परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे बड़ा सबूत है। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, हमें वो चीज देता है जिस चीज के हम योग्य नहीं है, जिस चीज के हम लायक नहीं है। दूसरी बात उसकी महानता के बारे में क्या लिखा है, हाँ सारे पढ़ो क्या लिखा है, दयालु परमेश्वर है। इनफैक्ट दयालु भी शब्द इतना सही नहीं है, अति दयालु, बहुत ज्यादा दया करने वाला। आप पर मुझ पर कितनी बड़ी दया परमेश्वर ने की है, कितनी बार उसने हमें मुसीबतों से बचाया है, दुखों से बचाया है, दुखों में हमारा साथ दिया है, और आगे भी हमारे जीवन में जब जब कठिन परिस्थितियां आएंगी परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। आगे दयालु तो है, आगे क्या लिखा है, विलंब से क्रोध करने वाला। हम सब पापी हैं और हम सब जन्म से पापी हैं, और हमारे जन्म होते साथ वो हमें नरक में भेज देगा तो भी वो परमेश्वर सिद्ध कहलाया जाएगा। सोचने की बात है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, या जिस दिन हमारे बच्चों का जन्म हुआ, या जिस दिन हमारे बच्चों का जन्म होगा, उसी दिन अगर हमारे बच्चे मर जाएं और हमारे बच्चे नरक में पहुंच जाएं, परमेश्वर उसमें भी सिद्ध होगा, क्योंकि हम पापी हैं, पाप में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, उसने हमारे पापों को अपना क्रोध हम पर नहीं डाला, अपने पुत्र पे डाल दिया। मानव जाति का क्रोध, आपका क्रोध, हमने जो पाप किया, जो क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर था, वो उसने किसके ऊपर डाला, जवाब दीजिए, किसके ऊपर डाला, अपने पुत्र यीशु मसीह पर डाला। और ये उसका एक, उसके चरित्र की एक खूबी है, वो जल्दी से हमारे ऊपर क्रोध नहीं करता। बड़ी खूबसूरती से पत्रस नए नियम में लिखता है, जहां परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए, परंतु वो ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के बारे में जान ले और उद्धार प्राप्त कर ले, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करता है, अंतिम घड़ी तक हमें मौका देता है। उस मरते हुए डाकू को, जिस दिन वो डाकू पैदा हुआ था, उस दिन परमेश्वर उसे नरक में भेज सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस मरते हुए डाकू को मरते दम तक, परमेश्वर ने अपना क्रोध, इनफैक्ट उस समय जब वो डाकू विश्वास कर रहा था, परमेश्वर का क्रोध जो उस डाकू के ऊपर था, यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहा था। परमेश्वर आपके साथ भी बहुत धीरज रखता है, मेरे साथ बहुत धीरज रखता है। अगर परमेश्वर चाहे तो उसी घड़ी, जैसे हन्ना और सफीरा को उन्होंने झूठ बोला, कलीसिया में झूठ बोला, पादरी को झूठ बोला, उसी वक्त मर गए, वहीं पर उनका उनकी जान चली गई, एक एक करके झूठ बोला, पाखंड किया। परमेश्वर चाहे तो हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का व्यवहार हमारे साथ कैसा है, विलंब से क्रोध करने वाला। आगे क्या लिखा हुआ है, अति करुणामय, रिच इन लव, अपने प्यार में अमीर है वो, गुस्सा करने में धीमा है, सजा देने में धीमा है, इंतजार करता है हमारा कि हम पश्चाताप कर ले, बदल जाएं, उल्टा हमारे साथ कैसा है अमन, रिच इन लव, अपने प्यार में अमीर, धनी, अति करुणामय। अगर करुणामय होता तो भी काफी होता, लेकिन लिखा है अति करुणामय, बहुत ज्यादा करुणा करने वाला हमारा परमेश्वर है। आगे पढ़ें क्या लिखा है अति करुणा में, और अभी 9 में पढ़ें, 145 का 9 सब लोग पढ़ें, एवरीबॉडी सब पढ़ें। यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। इसीलिए जिन अविश्वासियों को आप मिलते हो अपने ऑफिस में, अपने गली मोहल्ले में, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की भलाई उनके लिए भी है, और हम परमेश्वर की भलाई उन तक पहुंचा सकते हैं।
हम उनको बोल सकते हैं, भाई तेरे जीवन में ये दुख है, चल मैं तुझे एक जगह पे लेके चलता हूं, चल मेरे साथ चल, तेरे लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपनी भलाई तेरे ऊपर करेगा। स्पष्ट लिखा है, ही इज गुड एंड कंपैशनेट टू ऑल ही हैज मेड, जितने लोगों को उसने बनाया है उन सब के लिए परमेश्वर अति करुणा में है। हालेलुया, उन सब के लिए वो भला है। 13 पढ़े, अब 13 में आ जाए सीधा। तेरा राज्य युग युग का है, सब लोग पढ़े मिलके 13 वचन, 1 2 3 पढ़े। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हाँ, द लॉर्ड इज ट्रस्टवर्दी इन ऑल हिज प्रोमिसेस, अपने वादों में वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, परमेश्वर जो वादे करता है उन वादों में वो क्या है? विश्वास योग्य है। द लॉर्ड इज ट्रस्टवर्दी इन ऑल हिज प्रोमिसेस, जितने भी वादे, मेरे पीछे बोलो जितने भी वादे, सब बोले बड़े विश्वास से बोले, जितने भी वादे परमेश्वर मेरे साथ करता है उनमें वो भरोसे योग्य है। हालेलुया, मतलब हम भरोसा कर सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ही वादा किया है उसको वो पूरा करेगा। हालेलुया, मैं मेरी जिंदगी में, मैं सुबह बता रहा था, मेरी जिंदगी में ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं, आप सब भी महसूस करते हैं, लेकिन विश्वास में हम सबको बढ़ना है। जितने भी वादे परमेश्वर ने मेरे साथ किए थे एक एक करके परमेश्वर उसको पूरा कर रहा है। हालेलुया, और आप सबकी मेरी जिंदगी में जो वादे वो हमसे करता है, जिन बातों को लेकर के हम उसको समर्पण करते हैं, जिन बातों को लेकर के हम उसकी मर्जी को ढूंढते हैं, उन बातों में हम पूरी तरह से अपने परमेश्वर पे हम लीन कर सकते हैं, मतलब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोले परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या, हाँ तो उसकी भलाई जो है, उसकी गुडनेस जो है, उसकी बहुत सी बातें हम देख चुके हैं। सबसे पहली बात क्या है उसकी भलाई के बारे में, कि उसकी भलाई कैसी है? भलाई। सब बोल सकते हैं, क्या है? बड़ी भलाई। आगे अनुग्रहकारी, आगे दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, जोर से बोले अति करुणा में, सबके लिए भला, अपने सभी वादों में भरोसेमंद। खूबसूरत बात है, ट्रस्टवर्दी है वो अपने सारे प्रोमिसेस में। और आगे क्या लिखा है? वो वफादार है। आगे क्या लिखा है? गिरते हुओं को संभालता है। 145:14 उसकी भलाई का एक अगली बात है, उसकी भलाई के वर्णन में नेक्स्ट बात है। 14 में क्या लिखा है? यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। यहोवा गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सब झुके हुओं को सीधा करता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ इसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हम सब के अंदर, आपको और मुझे मिला के, हम सब के अंदर अलग अलग तरह की कमजोरियां हैं। हम सब के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं, हमारे जीवन के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम गिर जाते हैं, जहां पे हम गिरे हुए हैं एक्चुअली, जहां पे हम बार बार कमजोर हो जाते हैं, बार बार वही गलती बार बार करते हैं, वही पाप बार बार करते हैं, वहीं पे अपने आप को बार बार पाते हैं। ऐसा लगता है इस गड्ढे में हम फंसे हुए हैं, हम निकल नहीं सकते, हम बच नहीं सकते, हम सुधर नहीं सकते, हमें ऐसा बहुत बार लगता है। मैं ये बात आप लोगों को अनुभव से बता रहा हूं, मैंने अनुभव किया है कि जिस जगह पे हम गिरे हुए होते हैं, अगर उस गिरे हुए स्थिति से, जहां पे हम गिरे हैं, जहां पे हम सुधर नहीं रहे हैं, जहां पे हम बार बार वही गलती करते हैं, अगर हम सच्चे मन से उसको पुकारे, परमेश्वर इस कलंक से मुझे निकाल ले, इस गंदगी से मुझे निकाल ले, इस गंदी आदत से मुझे छुड़ा ले, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें परिवर्तन करने की शक्ति भेज देता है। बहुत बार क्या होता है, लेकिन हम इस गिरे हुए जीवन के साथ समझौता कर लेते हैं, हम इस गिरे हुए जीवन के साथ क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं, और सारी उम्र उसी गंदगी में हम पड़े रहते हैं और अपने आप को विश्वासी भी कहते हैं। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका है, तो वचन कहता है तुम्हारे अंदर वही शक्ति काम करती है जिस शक्ति ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिंदा किया। अगर हमारा प्रभु विक्टोरियस प्रभु है, अगर हमारा प्रभु विजयी परमेश्वर है, क्या फायदा ऐसे मसीही जीवन का जब उसकी विजय का आनंद आप ले नहीं सकते। इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है जहां पे आप फंसे हुए हो वहीं पर फंसे रहने का, जो आप गलतियां बार बार करते हो उसी जीवन में अपने आप को समझौता कर लेना, वहीं पर पड़े रहना और सुधरने की कामना ना करना, वहां से निकलने की कामना ना करना, इस प्रकार का जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। केवल आप नहीं हो अकेले जो
बार बार गलतियां करता है या पाप करता है, हम सब करते हैं, बताता कोई नहीं है किसी को, लेकिन हम सब अंदर से कमजोर हैं, हम सब अंदर से कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऐसी बात है जिसमें से हमें निकलना है, सुधरना है और परमेश्वर के समान बनना है। बहुत साल मुझे ऐसे लगता था कि जो मेरी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों में परमेश्वर कभी मेरी मदद नहीं करेगा क्योंकि मैं बार बार वहीं पे पाप करता हूं। धीरे धीरे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि तू बार बार पाप तो करता है, लेकिन अगर उस पाप में से निकलने की तड़प अगर तेरी सच्ची है, परमेश्वर तेरा आदर करेगा। और परमेश्वर जिसकी महानता के बारे में हमने इतना कुछ देखा अभी, वो कितना महान है, वो आपको आपके जीवन के गड्ढे से निकाल सकता है, आपको आपके जहां पे आप फंसे, हो सकता आप लोगों को 10 साल हो गए हैं आप वहीं पर फंसे हुए हो, लेकिन परमेश्वर 11वें साल में आपको वहां से निकालने की शक्ति रखता है। लेकिन आप निकलने की कामना तो करें, आप निकलने की इच्छा तो रखें, आप निकलने के लिए प्रार्थना तो करें, आप निकलने के लिए समर्पण तो करें, आप निकलने के लिए उसको पुकारें तो सही। और ये वो अनुभव होगा जो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव होगा, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आएगा, चेंज लेके आएगा, जब परमेश्वर अपनी शक्ति आपको दिखाएगा कि वो सचमुच इस बात को लेकर के सीरियस है कि वो आपको अपने बेटे यीशु के जैसा बनाना चाहता है, इस बात को लेकर के वो सीरियस है। अगर आप पवित्र होना चाहते हो तो ये परमेश्वर के लिए नंबर 10 एजेंडा नहीं है, अगर आप पवित्र होना चाहते हो, बनना चाहते हो पवित्र, परमेश्वर के लिए भी ये पहला एजेंडा है आपके लिए, ये उसकी पहली कामना है आपके लिए कि आप उसके जैसे बन जाएं। वचन में लिखा है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर आप गिरे हुए हैं, अगर आप फंसे हुए हैं, अगर आप गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, अगर एक ही कमजोरी आपके अंदर बार है जो उबर उबर के आपके जीवन में आती है, लगे रहो इस युद्ध में, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो और ईमानदारी के साथ किसी के साथ बातचीत करो, परमेश्वर आपको जरूर विजय देगा। और ये विजय मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से मैंने महसूस किया है, परमेश्वर कैसे गिरे हुओं को उठाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान रखो कि परमेश्वर की भलाई केवल आपका घर पालने में नहीं है, उसकी भलाई केवल आपकी बीमारियां दूर करने में नहीं है, परमेश्वर आपके देह, आपके प्राण और आपकी आत्मा पूरी रीति से आपको ताज़ा और शुद्ध और अपने जैसा सिद्ध करना चाहता है, और वो हर तरह से हर समय आपको छोड़ता नहीं है और आपके साथ है। उसकी भलाई की इतनी सारी खूबियों को हमने देखा है, बड़ी भलाई, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में सबके लिए भला, अपने सभी वादों में भरोसेमंद, वफादार, पढ़ो सारे मिलके क्या लिखा है, गिरते हुओं को संभालने वाला, आगे क्या लिखा है, सभी को भोजन देता है, इंक्लूडिंग पक्षी, जानवरों के साथ, केवल हम मनुष्य नहीं, जानवरों को भी, पक्षियों को भी हमारा परमेश्वर भोजन देता है। कैसे लिखा है 15 में पढ़े सारे, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती है, सब पढ़े मिलके, 1 2 3 सब पढ़े, सबकी आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको समय पर आहार देता है। सबकी आंखें तेरी ओर लगी हैं, तू सबको आहार देता है। कि आज कितने लोगों ने दोपहर में खाना खाया था, हाथ उठाएं, कितने लोगों ने खाना खाया था, वो खाना हमें किसने दिया था, परमेश्वर ने दिया था। हमारा पेट पालने वाला, पक्षियों को संभालने वाला यहोवा परमेश्वर है। और अंतिम है, फिर हम खत्म करते हैं, पढ़ें, हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करने वाला, ये परमेश्वर की भलाई है, हमारे दिल की इच्छाएं पूरी करता है। 16 वचन पढ़ें फिर हम खत्म करते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता, हाँ, और प्रत्येक प्राणी की इच्छा को संतुष्ट करता है। हालेलुया, यानी कि आपकी जो इच्छा है, सब लोग मेरी तरफ देखें, कितने लोगों के मन में आज की शाम एक ना एक इच्छा है, उठा ले हाथ, कम से कम एक इच्छा कितनों के मन में है, कोई इच्छा नहीं है, उषा कितनों के मन में इच्छा है, अभी वचन में क्या लिखा है, उस इच्छा की पूर्ति कहां पे छुपी हुई है, सब पढ़ के आंसर देंगे, पहले पढ़ लीजिए, जोर से पढ़ लीजिए, जोर से पढ़े,
तू अपनी मुट्ठी खोलता और लोगों के दिलों की इच्छाओं को पूरी करता है। मतलब हमारी इच्छा जो इस समय हमारे मन में है उसको पूरा करने की शक्ति इस समय किसके हाथ में है, किसकी मुट्ठी में है? परमेश्वर की मुट्ठी में है। मनुष्य क्या बेवकूफी करता है, क्या मूर्खता करता है, मनुष्य इच्छाएं बनाता है और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं उसको नहीं खोजता है, वो भूल जाता है। तभी वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य योजनाएं तो बनाता है परंतु उनकी पूर्ति केवल यहोवा की ओर से होती है। अगर आपके मन में आज कोई इच्छा है, आप अपने परिश्रम से नहीं कर सकते हो, उसकी पूर्ति किस में है? परमेश्वर की मुट्ठी में है। हालेलुया, परमेश्वर भला है। उसकी भलाई की इतनी सारी बातें हमने देखी हैं, लेकिन अब हम समाप्त करते हैं। इस बात को ध्यान से सुने, इतनी सारी भलाई की बातें हमने देखी, क्या हम सबकी जिंदगी में इस भलाई का हम आनंद उठा रहे हैं? क्या हम पूरी रीति से हर समय प्रतिदिन लगातार अपने जीवन में क्या परमेश्वर की इन भलाइयों का हम आनंद उठा रहे हैं? इसका आंसर है नहीं। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो लोग प्रभु को नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं आप और मैं जो प्रभु को जानते हैं। और अगले हफ्ते हम मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम परमेश्वर की भलाई का आनंद पूरी रीति से अपने जीवन में कर सकते हैं। ऑटोमेटिक जिंदगी में कुछ नहीं होता, उल्टा जब हम प्रभु में आ जाते हैं हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले हम मरे हुए थे, अब हम जीवित हैं। पहले हम मूर्ख थे, आज हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। परमेश्वर का वचन हम लगातार सुनते आ रहे हैं, सीखते आते हैं, सिखाते भी आ रहे हैं। तो क्या परमेश्वर की सारी भलाइयां हमारी जिंदगी में काम कर रही हैं? क्या परमेश्वर की सारी भलाई, पूरी भलाई का आनंद मैं अपनी लाइफ में ले रहा हूं? नहीं ले रहा हूं, तो कैसे ले सकता हूं? कैसे प्रभु की भलाई मेरे जीवन में काम करेगी? अगले हफ्ते मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और अगले हफ्ते आप जरूर आइएगा ताकि हम इस बात को सीख सकें, परमेश्वर की भलाई मैं मेरी जिंदगी में पूरा कर सकूं। अभी जो तीन बातें हमने देखी हैं वो तीन बातें यही हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कि परमेश्वर सचमुच है, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड कि परमेश्वर बहुत महान है, और तीसरा द गुडनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर बहुत बहुत भला है। अगले हफ्ते हम सीखेंगे परमेश्वर की भलाई मेरी जिंदगी में कैसे पूरी हो सकती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। सब एक मिनट।